हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को बिना डाटा लॉस के कैसे रीसेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन को, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि बिना डाटा लॉस के आप कैसे रीसेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर बिना डाटा लॉस के फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन को, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आपको जनरल मैनेजमेंट सेटिंग्स पे जाना है। जनरल मैनेजमेंट सेटिंग्स पे जाकर आपको रीसेट पे चले जाना है। रीसेट पे जाकर आप बिना डाटा लॉस के कैसे रीसेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन को, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाता है। देख सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए विदाउट डाटा लॉस भी आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। इससे आप रीसेट करते हैं तो आपका जो डाटा है रीसेट नहीं होगा और जो भी आपकी सेटिंग्स है रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से बिना डाटा लॉस के आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन को, और सिंपली इस पे देखते हैं इसके जरिए भी बिना डाटा लॉस के आप रीसेट कर पाएंगे फ़ोन को। बस आपकी सेटिंग्स वगैरह रीसेट हो जाएगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में ही देख सकते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के जरिए भी रीसेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन को और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिना डाटा लॉस के फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।